हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फरमाइश। आज हम 5th ऑफ अप्रैल 2020 के करंट अफेयर्स को देखेंगे और मैं समझता हूँ कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो जस्ट अ मिनट, या 5th ऑफ अप्रैल 2020 करंट अफेयर्स को देखेंगे। तो स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, वर्ल्ड अस्थमा डे ये कब मनाया जाता है? ये 5th ऑफ मई को मनाया जाता है और इस बार का थीम क्या था? इस बार का जो थीम था, एनफ अस्थमा डेथ, एनफ अस्थमा डेथ। आपको पता है कि अस्थमा जो है ये सांस लेने में दिक्कत होती है लोगों को, एंड ये क्रोनिक डिजीज है। क्या ये क्रोनिक डिजीज है जो कि लंग्स को अफेक्ट करती है। सीधा सीधा ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होती है यहाँ पे, और करीबन 1.5 से लेके 2 करोड़ लोगों को ये पूरा संसार भर में ये पीड़ित है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, देखो ये योजना क्या करेगा, 120 डेज का गारंटी पीरियड देगा कि इतना दिन तो आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही मिलेगा। तो कौन से राज्य की सरकार ने ये करके दिखाया है? ये जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करें तो बंदारू दत्तात्रेय इज द गवर्नर, जयराम ठाकुर इज द चीफ मिनिस्टर, कैपिटल इज शिमला। इसने एक और भी चीज किया है दोस्तों, वो क्या है, 2,000 रुपया है ना, 1 लाख वर्कर्स को ये देगा। ओके, जिन्होंने अपने आप को बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड्स में रजिस्टर किया है, तकरीबन 1 लाख वर्कर्स हैं वो, उनको 2,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंडीगढ़ ने एक ऐप लॉन्च किया है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है? और इस ऐप में आपको कोविड-19 के जितने सारे इंफॉर्मेशन है ये आपको मिल जाएंगे। इस ऐप का जो नाम है दोस्तों, CHD, दैट इज चंडीगढ़ कोविड, CHD चंडीगढ़ कोविड। अच्छा, सवाल पूछता हूँ, थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल। इस ऐप को किसने बना के दिखाया है? इस ऐप को डेवलप किया है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़, SPIC कहते हैं इसको, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ IT इन चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बारे में बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर और एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? श्री VP सिंह बदनोरे। मैं कौन से कंपनी के बारे में बात कर रहा हूं जिसने वॉइस बेस्ड ऐप लॉन्च किया है? किसके लिए लॉन्च किया है? ये जो लॉन्च किया है दोस्तों, मतलब इस तरीके का होगा कि वॉइस बेस्ड एप्लीकेशन होगा और इसको लॉन्च करके दिखाया है भारत पे, भारत पे ने करके दिखाया है। ठीक है, और इसमें होगा क्या, जब भी कोई QR ट्रांजेक्शन होता है या कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो एक चीज बोलता हूं मैं आपको, पैसा बोलेगा, इसका नाम दिया गया पैसा बोलेगा। जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है तो वहां पे एक वॉइस अलर्ट हो जाता है, हाई रेट वॉइस अलर्ट में ये कंफर्मेशन दी जाती है कि इतना का पैसा आपने ट्रांजेक्शन किया है। समझ में आ रहा है आप सभी को? ओके, सो ये है भारत पे। भारत पे के बारे में बात करें तो को फाउंडर कौन है? अश्नीर ग्रोवर। आरोग्य सेतु ऐप सभी को पता है, और हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी बोला था कि जितने भी ऑफिशियल्स हैं और जहां पे भी हॉटस्पॉट एरियाज है, आरोग्य सेतु ऐप इंस्टॉल करना काफी जरूरी है और सभी को करना चाहिए। और अगर आप इंस्टॉल नहीं करते हो तो फिर उल्लंघन माना जाएगा, है ना। सो आरोग्य सेतु ऐप ने एक और चीज लॉन्च करके दिखाया है, मतलब आरोग्य सेतु ऐप में एक और चीज लॉन्च है, वो क्या करेगा, टेलीमेडिसिन सर्विसेस और कंसल्टेशन देगा लोगों को। तो ये इसका नाम क्या दिया गया है दोस्तों, मित्र पोर्टल। ये है आरोग्य सेतु मित्र, आरोग्य सेतु मित्र। ये एक्चुअली एक प्राइवेट PPP कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोग्राम है ये। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसको तो किसी ने मिलकर डेवलप किया होगा, यानी आरोग्य सेतु ऐप प्लस स्वास्थ्य फाउंडेशन प्लस प्रोजेक्ट स्टेप 1 प्लस टाटा डिजिटल हेल्थ प्लस टेक महिंद्रा, इतने सारे कंपनीज ने मिलकर इसको डेवलप किया है। दैट्स द रीजन इट्स कॉल्ड इज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। समझ में आया आप सभी को? और एक और चीज मैं बता देता हूं कि इस आरोग्य सेतु मित्र पोर्टल के तहत यूजर्स को
डोर स्टेप लैब टेस्ट के लिए भी आप बुकिंग कर सकते हो, यानी आपके घर आके कर्मचारी मतलब जो भी लैब में काम करते हैं वो लोग आके आपका टेस्ट भी करा सकते हैं, है ना। तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, ये आपको कंसल्टेशन भी देगा COVID-19 रिलेटेड इंक्वायरीज में, तो काफी कुछ चीजें अच्छा है दोस्तों। सारा कलेक्शन ओके, ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस GeM में लॉन्च हुआ है। ये क्या करेगा, ये जो है दोस्तों डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स मेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, गॉट इट। यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब वो क्या क्या है, इसमें 5 कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन किया गया है। वो क्या क्या है दोस्तों, एक तो है हैंडीक्राफ्ट, एक तो है हैंडलूम टेक्सटाइल, हैंडलूम एंड टेक्सटाइल्स, दूसरा है ऑफिस एसेसरीज, उसके बाद ग्रोसरी एंड पेंट्री, उसके बाद पर्सनल केयर एंड हाइजीन। तो इतने सारे कैटेगरीज में इसको क्लासिफाई किया गया है और एक यूनिक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के तहत, है ना। और इसको GeM ने किसके साथ मिलकर किया है, दीनदयाल अंत्योदय योजना, जो हमारा NRLM होता है। NRLM जानते हो क्या होता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसके तहत है ना SSGs वाले क्या करेंगे, अपने जितने भी डेली यूटिलिटी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं उसको बेच सकेंगे। और अब हाल फिलहाल के बारे में बात करूं तो लगभग 913 SSGs ने पूरा 11 स्टेट से इन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड कर लिया है एज सेलर्स, गॉट इट और नॉट गॉट इट। और तकरीबन 442 प्रोडक्ट्स को भी इन्होंने ऑन बोर्ड कर लिया है, ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ओके, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर और इनका जो कंस्टिट्यूएंसी है ये है मोरेना मध्य प्रदेश, साध्वी निरंजन ज्योति भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है रूरल डेवलपमेंट के। मैं कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं जिसने पार्टनरशिप किया है हांगकांग फाइनेंशियल कैपिटल फर्म के साथ, क्यों, एक ग्लोबल नेटवर्क बनाएगा एज अ वेंचर इकोसिस्टम, वेंचर इकोसिस्टम के लिए, यह है IIT हैदराबाद। अब IIT हैदराबाद के कैंपस में ये इंस्टॉल होगा, यानी IIT हैदराबाद में ये ऑफिस बनेगा, गॉट इट और नॉट गॉट इट। और ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये साइन हुआ था प्रोफेसर BS मूर्ति, जो कि डायरेक्टर है IIT हैदराबाद के, और एक उनका नाम क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ये न्यू फ्रंटियर हांगकांग कैपिटल फर्म के, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम इज आई थिंक या उसकी उशुकी मिस्टर उशुकी। तो मिस्टर उशुकी और प्रोफेसर BS मूर्ति, प्रोफेसर BS मूर्ति इज द डायरेक्टर ऑफ IIT हैदराबाद एंड मिस्टर उशुकी इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस हांगकांग फाइनेंशियल कैपिटल फर्म, इनके बीच ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है। और इसके तहत ये क्या होगा, जो ऑफिस है IIT हैदराबाद कैंपस में ही ये लोग बनाएंगे, ठीक है। देखो एक और अच्छा इनिशिएटिव है आई फॉर इंडिया। देखो एक कंपनी है जिसने कोलाबरेट किया है विथ एक्टर्स फ्रॉम बॉलीवुड, एक कंपनी है जो बॉलीवुड के एक्टर्स के साथ कोलाबोरेशन किया है ताकि वो फंड रेज कर पाए, मतलब एक कंसर्ट होगा और उस कंसर्ट में फंड रेज होगा, आई फॉर इंडिया नाम दिया गया है। तो वो कंपनी कौन सा है, ये कंपनी है फेसबुक बहुत हाल फिलहाल न्यूज में था, मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों एक और चीज मैं बताना चाहता हूं, ये जो कंसर्ट है संडे 3rd of May 7:30 ये हुआ था और यहाँ पे 85+ इंडियन एंड ग्लोबल स्टार्स, जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बता देता हूँ, AR रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्य राय बच्चन, देन अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा, तो इतने सारे एक्टर्स यहाँ पे शामिल थे और उस्ताद जाकिर हुसैन ओके। सो इन्होंने ये चीज किया है। अब फेसबुक क्यों न्यूज में था, देख लो फेसबुक ने क्या किया, मैसेंजर रूम्स बनाया जहां पे ग्रुप वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे 50 इंसान तक। फेसबुक इंक्लूसिव ने रिलायंस जियो में अपना शेयर भी खरीद लिया है लगभग 10% ओके, जो कि 43,544 करोड़ का है। फेसबुक ने नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के साथ पार्टनरशिप करके और साइबर पीस फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप करके एक लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम वी थिंक डिजिटल, जो कि लिटरेसी देगा वुमेन लोगों को, वी थिंक डिजिटल। फेसबुक ने
बूम फैक्ट चेक के साथ भी पार्टनरशिप करके जितने भी स्टोरीज हैं, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, इसको रिव्यू करेगा कि फैक्ट है या गलत चीज है ना। तो फैक्ट चेकर के हिसाब से पार्टनरशिप किया है। तो फेसबुक वॉज इन द न्यूज। इंडिया का रैंकिंग कितना है जितने भी कंट्रीज हैं इन टर्म्स ऑफ पब्लिकेशन ऑफ साइंटिफिक जर्नल्स, यानी जितने भी कंट्रीज जो साइंटिफिक जर्नल्स पब्लिश करते हैं, इंडिया का रैंक कितना है? इंडिया का रैंक जो है थर्ड रैंक में है, थर्ड रैंक में है। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक डिस्कस थ्रोअर के नाम बताओ जिनको वाडा ने 4 साल का बैन कर दिया है। अब एक खास चीज क्या है, देखो इनका नाम तो है संदीप कुमारी, एक खास चीज क्या है, मैंने आपको 2 दिन पहले बोला था झूमा खातून, ये कौन है, ये कौन से खेल खेलते हैं मुझे बताओ, इनको भी 4 साल का बैन कर दिया गया है। अब खास बात यह है दोस्तों, हमारा देखो जो वाडा होता है ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, इसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है और प्रेसिडेंट कौन है, विटोल्ड बनका। लेकिन मैं बात कर रहा हूं नाडा, नाडा मतलब क्या होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो ये जो संदीप कुमारी है यहां पे इन्होंने नेगेटिव टेस्ट मिला था, लेकिन जब वाडा ने इसको किया तो पॉजिटिव मिला। समझ में आ रहा है आप सभी को? अब संदीप कुमारी वाइस इज इन न्यूज बिकॉज ये तो बैन हुए हैं, बट ये इतने खिलाड़ी, इतने बड़े खिलाड़ी हैं, मैं आपको बता देता हूं, आई एम फॉरगेटिंग, शायद 2017 की बात है ये, एशियन चैंपियनशिप क्वार्टर में, नहीं 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 ये नहीं है, आई थिंक उनको गोल्ड मेडल मिला था, सॉरी संदीप कुमारी को गोल्ड मेडल मिला था, इन्होंने डिस्कस थ्रो किया था 58.41 मीटर, सो सी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट, ओके। एंड इट्स योर ड्यूटी टू टेल मी दैट झूमा खातून क्या खेलते हैं, इनको भी सेम बैन किया गया है। निशार अहमद जो कि एक कवि हैं, एक राइटर हैं, ये पास्ट अवे, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते थे, ये कर्नाटका से थे, निशार अहमद, निशार अहमद, और इनका जो पूरा नाम था वो के एस निशार अहमद था, कुछ जैसे कि मानासु गांधी बजारू संजय आइद्रा माले, इस तरीके का इन्होंने जो अपना काम किया है, और ये पद्मश्री अवार्डी भी हैं 2008 में, और राज्योत्सव 1981 में इनको मिला था, पंपा अवार्ड 2017 में मिला था, और कर्नाटका साहित्य एकेडमी में भी उनको पुरस्कार मिला था। सो ही इज निशार अहमद। आपको याद रखना है निशार अहमद कौन से फील्ड से थे, ये पोएट थे और राइटर थे, और ही वॉज फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटक के बारे में बात करें तो वाजुभाई वाला इज द गवर्नर, बी एस येदियुरप्पा इज द चीफ मिनिस्टर। मैं कौन से इंस्टीट्यूशन के बारे में बात कर रहा हूं जिसने अल्ट्रा वायोलेट डिसइंफेक्शन टावर डेवलप किया? देखो अब बात क्या है, इसका मतलब क्या है, देखो हम अपने शरीर को तो सैनिटाइज कर लेते हैं, लेकिन जो मतलब बेसिकली मैं बात कर रहा हूं, जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, जितने कंप्यूटर्स हैं, इन सबको कैसे सैनिटाइज करोगे, ये थोड़ी इन लोगों को आप नहलाओगे, इस तरीके से नहीं हो सकता है। तो इसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने, और इसका जो नाम दिया है वो दिया है यूवी ब्लास्टर। क्या दिया है? यूवी ब्लास्टर। तो ये हाईटेक सर्फेसेस के लिए है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के बारे में बात कर रहा था। तो ये इक्विपमेंट में लगभग 6 लैंप होंगे 43 वाट के यूवी रेज ये लोग एमिट करेंगे, और इस तरीके से यू कैन डिसइनफेक्ट, राइट। सो अल्ट्रा वायोलेट डिसइनफेक्शन टावर जो कि रैपिड एंड केमिकल फ्री डिसइनफेक्शन होगा हाई प्रोन एरियाज के लिए, किसने डेवलप किया है? डीआरडीओ। डीआरडीओ के बारे में बात कर देता हूं, जी सतीश रेड्डी इज द चेयरमैन, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल कौन है ये? राजनाथ सिंह, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। डीबीएस बैंक हाल फिलहाल में न्यूज में था, और इन्होंने इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है 1.5 से ड्रॉप करके कितना बना दिया है, ये बना दिया दोस्तों 1% कर दिया, 1%। डीबीएस बैंक के बारे में बात करें तो ये सिंगापुर बेस्ड बैंक है, और पीयूष गुप्ता इज अ सीईओ। प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या किया है, नॉमिनेट किया है किस चीज के लिए, एक रिप्रेजेंटेटिव के लिए, आईबीआरडी के लिए रिप्रेजेंट किया है, मतलब नॉमिनेट किया है। इनका नाम क्या है, ये इंडियन अमेरिकन है, अशोक माइचल पिंटो। अगर इनको मिल जाता है कंफर्मेशन फ्रॉम द सीनेट, सो ही विल बी रिप्लेसिंग मिस्टर एरिक बिथिल। एरिक बिथिल पहले थे, एंड नाउ इज इट्स अशोक माइकल पिंटो, राइट।
मैं कौन से राज्य की सरकार के बारे में बात कर रहा हूं जिसने एग्जिट ऐप लॉन्च किया है, एग्जिट ऐप लॉन्च किया है वेस्ट बंगाल की सरकार ने। इनका कहना यह है कि जितने भी मजदूर लोग हैं, जितने भी इंसान यहाँ पे फंसे हैं वेस्ट बंगाल में और अपने नेटिव प्लेस को जाना चाहते हैं, तो इस ऐप में वो अपने आप को रजिस्टर्ड कर पाएंगे और उसके बाद दे कैन डू द फॉर्मेलिटीज एंड दे कैन मूव टू देयर नेटिव प्लेस। अब इसको किसने अनाउंस किया? बंगाल सरकार की होम सेक्रेटरी है, इनका नाम है अलपियन बंदोपाध्याय, इन्होंने इस चीज को अनाउंस किया। वेस्ट बंगाल की सरकार के बारे में बात करते हैं तो जगदीप धाकर इज द गवर्नर, जगदीप धाकर। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने डिसाइड किया है दोस्तों कि ये एक चैट बॉट बनाएंगे, एक बॉट बनाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर, अच्छा ये क्वेश्चन को मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है, इट्स वाटसन, इंडियन फ्रंटलाइन टेस्टिंग फैसिलिटीज के लिए इट्स वाटसन। मैं आपको एक और चीज बताना बिल्कुल पसंद करूंगा, ये जो वाटसन असिस्टेंट है ICMR ने इसको IBM कंपनी के साथ मिलकर बनाया है, IBM कंपनी के साथ। समझ में आया आप सभी को? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इनके जो सेक्रेटरी जनरल है डॉक्टर बलराम भार्गवा, मुझे बताओ कि फ्लिपकार्ट एंड मिंत्रा के न्यू चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बने हैं? ये है श्रीराम वेंकटरमन। आपको पता है कि फ्लिपकार्ट को ओन कर लिया है किसने? वॉलमार्ट ने। और इससे पहले जो CFO थे, मतलब श्रीराम वेंकटरमन के पहले जो CFO थे वो थे मैकनियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फ्लिपकार्ट बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है और कल्याण कृष्णमूर्ति इज अ CEO। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के न्यू इकोनॉमिक रिलेशन सेक्रेटरी कौन बने हैं? ये बने हैं दोस्तों राहुल छाबरा इज द इकोनॉमिक्स रिलेशन सेक्रेटरी इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। इससे पहले कौन थे? आपको याद है मैंने आपको एक चीज बोला था, TS तिरुमूर्ति। और TS तिरुमूर्ति कहां चले गए? He has become the ambassador, permanent representative. He has become the permanent representative of India to United Nations in New York, right? T.S. Tirumurthy थे इससे पहले, और इनको Ministry of Personnel, ये जो hiring करता है और ये जो post decide करता है, ये है Ministry of Personnel। इसने T.S. Tirumurthy को भेज दिया है और appoint किया है as permanent representative टू द यूनाइटेड नेशंस, एंड इनके जगह पे जो आए हैं ही इज राहुल छाबरा। एंड सुब्रमण्यम जयशंकर इज द मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में बात करें तो वी मुरलीधरन, एंड एस जयशंकर इज ए राज्यसभा MP फ्रॉम गुजरात। मैं एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म के बारे में बात कर रहा हूं जिसने ये डिसाइड किया है कि जियो प्लेटफॉर्म में अपना स्टेक खरीदेगा। देखो जियो ऑलरेडी अपना 10% रिलायंस जो फॉर्म है मैं बात कर रहा हूं, रिलायंस ने अपना 10% ऑलरेडी फेसबुक को दे चुका है। अब जियो प्लेटफॉर्म को एक अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फॉर्म खरीद रहा है, वो है सिल्वर लेक। ये कौन है? सिल्वर लेक। सवाल आता होगा सिल्वर लेक ने कितना परसेंट खरीदा? 1.15%। इससे पहले HDFC में 1.01% पीपुल बैंक ऑफ चाइना ने खरीद लिया, got it or not got it। और HDFC म्यूचुअल फंड के बारे में बात करें तो इसने SpiceJet को खरीद लिया, got it। और फेसबुक ने 10% लगभग रिलायंस जियो को खरीद लिया, और रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में 1.15% का स्टेक सिल्वर लेक ने खरीद लिया। तो काफी कुछ चीजें चल रहा है। सो हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स है, एंड OCU एंड मैनेजिंग पार्टनर इज इगॉन दर्बन। फीना क्या करता है? फीना एक स्पोर्ट्स गवर्निंग बॉडी है जो वर्ल्ड एक्वेटिक्स चैंपियनशिप होता है। आपको पता है स्विमिंग का चैंपियनशिप होता है, ये वाला फोटो मैं दिखा देता हूं आपको। तो फीना इज दैट गवर्निंग बॉडी, राइट। इसने 2021 फ्यूको का वर्ल्ड चैंपियनशिप को पोस्टपोन कर दिया है। अब ये कब होगा? मई 2022 में होगा। गॉट इट और नॉट गॉट इट? ओके, अब ये होगा कहां पे? ये जापान के एक सिटी का नाम है फ्यूको का, ये वाला ही है।
फीना, इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? लॉजैन स्विट्जरलैंड। अच्छा, लॉजैन में एक और चीज का हेडक्वार्टर है, मुझे बताओ कमेंट के बॉक्स में क्या है। प्रेसिडेंट कौन है? जुलियोसी मैगलियोनी। कितने फोटो जर्नलिस्ट को इंडिया से इनको पुलिटजर प्राइज मिला है? इनको मिला है दोस्तों तीन फोटो जर्नलिस्ट को पुलिटजर 2020 प्राइज मिला है। इनका नाम क्या क्या है बता सकते हो क्या? एक तो है आई थिंक दार याशिन, मुख्तार खान एंड चन्नी आनंद। गॉट इट और नॉट गॉट इट? इनको किस चीज के लिए मिला है? स्ट्राइकिंग इमेजेस के लिए मिला है, स्ट्राइकिंग इमेजेस ऑफ लाइफ इन द वैली। सो दे आर दार याशिन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। यूसुफ होशैम ये कहाँ के हैं? ये इजिप्ट के हैं। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ही हैज बिन बैंड फॉर लाइफ, यानी जीवन काल के लिए इनको बैन कर दिया गया है। और ये खेलते क्या थे? ये टेनिस खेलते थे। और आपको पता है कि इनके जो ब्रदर हैं ये भी करप्शन चार्जेस में इन्वॉल्व थे। सो ही वॉज ऑल्सो इन्वॉल्व इन करप्शन चार्जेस एंड ही इज बैंड फॉर लाइफ नाउ। इजिप्ट के बारे में बात कर तो कायरो इज द कैपिटल, लिबिशन पाउंड इज द करेंसी एंड द प्रेसिडेंट इज अब्दुल फतल एल सी सी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद जय भारत। शब अखिल, शेयर का बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।